वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी लाल रंग की चीज़ों को उचित दिशा में रखने के बारे में, और आज हम बात करेंगे हरे रंग की चीज़ों के बारे में। हरे रंग की चीज़ों में बहुत कुछ शामिल हो सकता है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, कपड़े, बिस्तर आदि। इसके अलावा अगर आप अपने घर में छोटा सा बाग बगीचा या पार्क बनाना चाहते हैं तो किस दिशा में बनाएं और उसका क्या प्रभाव होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग से संबंधित चीज़ों को पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व दिशा के यानी कि आग्नेय कोण में रखना चाहिए। साथ ही घर में हरी घास के छोटे से बगीचे को भी इन्हीं दिशाओं में से एक में बनाना चाहिए। हरे रंग और इन दोनों दिशाओं का संबंध काष्ठ तत्व से है यानी लकड़ी से है, इसलिए पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की चीज़ें रखना हमेशा शुभ फलदायी होता है। पूर्व दिशा में हरे रंग की चीज़ें रखने से घर के बड़े बेटे के जीवन की गति हमेशा बढ़ती रहती है, उसके पैर मजबूत होते हैं। वहीं आग्नेय कोण में हरे रंग की चीज़ें रखने से बड़ी बेटी को फायदा होता है, उसका लगातार विकास होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।